सोचिएगा जरूर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। आज मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या आप लोगों को लगता है कि आप अर्थराइटिस के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अर्थराइटिस जिसको एक बार हो गया है वो जिंदगी में सुख चैन की नींद सो सकता है? क्या आपको लगता है अर्थराइटिस होने के बाद भी आप अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी को खुशहाल जीवन बना के जी सकते हैं उनके साथ? सोचिएगा जरूर इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। और मैं बोलता हूं कि यस, अर्थराइटिस के साथ भी आप अपना जीवन जैसे अर्थराइटिस होने से पहले सुखमय जीवन जी रहे थे वैसा ही जीवन आप जी सकते हैं, अपने परिवार के साथ अपना समय खुशहाल व्यतीत कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। होगा कैसे उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो जब भी आपको अर्थराइटिस होता है उसको आपको समझने की जरूरत है, आपको अर्थराइटिस है किस टाइप का, क्योंकि हर अर्थराइटिस का समाधान एक तरह का नहीं है। हर अर्थराइटिस की दुख जो अर्थराइटिस का होता है, अर्थराइटिस जो पीड़ा होती है, वो हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। हर अर्थराइटिस की पीड़ा का अपना एक समाधान है, उसको समाधान कैसे किया जा सकता है अगर वो आप चीज समझ लेंगे। वो चीज समझेंगे कब कि आपकी पीड़ा का समाधान कैसे है, जब आप पहले ये जानेंगे कि आपको अर्थराइटिस है और है तो कौन से टाइप का है। दूसरी चीज, अर्थराइटिस में सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं पेन किलर लेना ही अर्थराइटिस के लिए सुखी जीवन व्यतीत करना है। मैं उन लोगों के लिए एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूंगा, किसी भी बीमारी से, बीमारी छोड़िए, अपनी जिंदगी की किसी भी समस्या से ना लड़के उस समस्या को कुछ समय के लिए दूर करना समाधान नहीं है। सो जिंदगी में किसी भी समस्या, आप अर्थराइटिस छोड़ दीजिए, आप बीमारी को छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आती है, क्या उस समस्या को कुछ देर के दूर करना उसका समाधान है? क्या उस समस्या चली गई आपकी जिंदगी से? क्या आप ये समझ लेंगे समस्या चली गई मैं सुखी जीवन व्यतीत करूंगा? शायद आपका आंसर भी ना होगा। अगर आपको अर्थराइटिस के साथ सुखी जीवन व्यतीत करना है, यहां पर दो चीजें हैं, अर्थराइटिस के साथ और अर्थराइटिस के बाद। अर्थराइटिस के साथ जब तक उससे लड़ रहे हैं उसके साथ सुखी जीवन जीना है, अर्थराइटिस के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो अर्थराइटिस के बाद भी सुखी जीवन जीना है, और दोनों ही चीज पॉसिबल है। अर्थराइटिस के साथ और सुखी जीवन कैसे जिया जाएगा, हम ऐसी चीजें करें जिससे अर्थराइटिस का पेन कम हो, अपना आहार विहार चेंज करें, अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को ऐड करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। हमें ये पता होना चाहिए हमारे अर्थराइटिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, हम अर्थराइटिस के लिए कैसे नेचुरल चीजों का सहारा ले सकते हैं, अर्थराइटिस के बाद अर्थराइटिस की संपूर्ण चिकित्सा कैसे की जा सकती है ताकि मेरा अर्थराइटिस जिंदगी भर के लिए कवर हो जाए। अगर अर्थराइटिस रिकवर हो गया तो अर्थराइटिस के बाद भी सुखी जीवन जिएंगे। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जो अर्थराइटिस होते ही बहुत मायूस हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी का अब तो कोई समाधान ही नहीं है, अब तो मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मैं कैसे मेरी लाइफ को एंजॉय करूंगा, कैसे मेरे बच्चों के साथ मैं एंजॉय करूंगा, मैं तो बाहर जाके ज्यादा तक खड़ा नहीं हो सकता, मेरी तो कमर में दर्द होता है, अब तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, अब मैं कैसे बाहर जाके लोगों से एंजॉय करूंगा, कैसे मेरे परिवार में फंक्शन आ रहा है, मैं कैसे डांस करूंगा। सब चीजें पॉसिबल है, सिर्फ कदम एक ही बढ़ाना है, सबसे पहले कि अर्थराइटिस है कौन सा, मुझे कैसे ठीक हो सकता है, और इस अर्थराइटिस को मुझे ठीक करना है। मुझे टेम्परेरी सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने हैं, मुझे कुछ घंटे चैन के नहीं निकालने हैं, मुझे सारी जिंदगी चैन से निकालनी है। और सारी जिंदगी चैन से कब निकलेगी, जब आप ये समझ लेंगे कि ये अर्थराइटिस ठीक कैसे हो सकता है। हमारे जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो हमारा आयुर्वेदा है, उसके अंदर इतनी पुराने वर्षों से, 5000 वर्षों से इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति हर तरह के अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए लिखी गई है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा चिकित्सा, आपका अपने आप को सुधारना, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, क्योंकि हर छोटी खाई हुई चीज का हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है, हर चीज का। अगर मुझे पता है कि मैं अगर सब्जी में पालक खा रहा हूं, मुझे पता है उसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे शरीर में फायदा करने वाली है, तो ऐसी अर्थराइटिस के लिए, हर तरह के अर्थराइटिस के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये चीजें खाने से मुझे अच्छा फायदा मिलता है, ये चीजें खाने से मुझे नुकसान होता है। और बहुत सारे लोग इसी मोह माया में इसी चीज में उलझे रहते हैं, नहीं मैं दही कैसे छोड़ूंगा, फिर गठिया है, जोड़ों में अकड़न आ रही है, तो कुछ समय दही छोड़ने की क्या दिक्कत है? अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है, गाउट की अर्थराइटिस हो रहा है, तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं कुछ समय के लिए, जब तक अर्थराइटिस रिकवर नहीं होता, क्या परेशानी है? कि कुछ समय की वो जो जीवा लालसा है, जो खाने की इच्छा है, वो उस दर्द के सामने बड़ी है,
जिंदगी भर उस दर्द के साथ बिताना और कुछ चीजें कुछ समय के लिए छोड़ना, ये आपको चूज करना है कौन सा अच्छा है। तो सुखी जीवन व्यतीत करना है तो आपको जो कारण दुख दे रहे हैं उनको पहचानना है और जो कारण सुख देने वाले हैं उनको अपनाना है, तो आप अपने सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने अथराइटिस को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।